Please subscribe to Kids Zone YouTube channel and don't forget to press the bell icon to never miss an update. Kids Zone Pakistan. इब्ने ड्यूक के मुताबिक उस आर्टिफैक्ट के सिर्फ तीन हिस्से हैं। उनमें से एक हमारे पास है, लेकिन हमें उन बाकी दो को ढूंढना होगा। ये कितना प्यारा है वैलरी, मुझे भी दिखाओ ना। ये कितना प्यारा है, इससे तो मेरे हेड में चार चांद लग जाएंगे। हाँ? इसे कहाँ ले जा रहे हो? वापस दो इसे। ज्यादा गहराई में नहीं जा पा रही। ये अलीसा की वजह से हुआ है। क्या मेरी वजह से? और मेरी खड़ी भी तो तुम्हारी वजह से टूटी है हेलेना। एक दूसरे पर इल्जाम तुम लोग बाद में लगा लेना, अभी हमें उस नीडल को ढूंढना है। हाँ, मैं भी आई। मिस बारबरा की सीशेल्स? मुझे पता था ये किसी दिन तो काम जरूर आएंगी, मगर ये सिर्फ चार है और हम लोग। हाँ हाँ, मैं साथ हूँ तुम्हारे। सबसे पहले मुझे अपनी घड़ी ठीक करनी है। बस मैं भी टावर जाकर टूल्स लेकर आती हूँ। तुम सबको मेरा थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, एक हफ्ते में तीसरी बार टूटी है ये घड़ी। ऐसा लग रहा है जैसे पानी के अंदर भी एक दुनिया आबाद है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। सुनो, गौर से सुनो। पानी में रहने वाली मछलियों, मगरमच्छों और सीपियों, मैं आप सबको एनुअल रेस में वेलकम करता हूँ। रेस? क्लासिक। सब पुरजोश नजर आ रहे हैं मुझे। जाहिर है नाम भी कोई आम चीज नहीं, स्टारफिश कप है और सभी इसे हासिल करना चाहते हैं। वो रही निडल। गाइस वहाँ देखो जल्दी। हाँ, मुझे दिख गई। जल्दी से लेकर आते हैं। रुक जाओ, हम उसे नहीं चुराएंगे, हमें कोई और प्लान बनाना होगा। मैं देख रहा हूँ, समंदर के नामी गिरामी रेसरियां जमा हो चुके हैं और सभी की नजर आज के इनाम पर है। वो मेरा है, उसे मैं ही जीतूंगी। क्या? क्या क्या कह रही हो तुम? रेस में हिस्सा कैसे लोगी? तुम्हारे पास कोई सी हॉर्स थोड़ी है? हा? ये रहा वैलेरी का सी हॉर्स। ये डिप्रेस्ड सी हॉर्स, कोई और पार्टनर नहीं है? ऐसा लगता तो नहीं है, तुम्हारे पास यही ऑप्शन है। इसी डिप्रेस्ड हॉर्स के साथ रेस करो। क्या तुम्हारा कोई मालिक नहीं है? तो आप समझ आया कि ये इतना कमजोर क्यों है? चलो, रेस का टाइम हो गया है वैलेरी, तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इधर उधर क्या देख रहे हो तुम? वो तुम्हारी दोस्त है ना? ओके, ठीक है। वेल, आई होप कि ये स्टार्टिंग लाइन तक पहुंच जाए, एटलीस्ट इतना ही काफी होगा इसके लिए। सुनो, वैलेरी के कहने का ये मतलब है कि अगर तुम जीत गए तो जिसे तुम देख रहे थे उससे हम तुम्हारी दोस्ती करवा देंगे। ओह हाँ, एक्चुअली मैं भी तुमसे यही कहना चाह रही थी। वैसे मैंने सुना है कि सी हॉर्स को बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है वैलेरी। या, वैसे भी मैं हारने वाली हूँ।
हे सब गौर से सुन ले मेरी बात। इस रेस में 3 राउंड होंगे, 7 रेसर हैं। पहले 5 दूसरे राउंड में जाएंगे, तीसरे राउंड में होंगे 3 और उसमें से जो जीतेगा वही होगा विनर। बहुत मेहनत करनी होगी इस ट्रॉफी को जीतने के लिए, क्योंकि तमाम रेसर बहुत होशियार और चालाक हैं। चलिए इनका तारुफ कराते हैं। नंबर 1 पर है ट्रूट, नंबर 2 पर भी है ट्रूट, 3 पर ट्रूटी, 4 पर ट्रूटस और 5 पर ट्राउट। नंबर 6 पर हम सबके जाने पहचाने नाकाबिल शिकस्त, जो आज तक कोई रेस नहीं हारे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बारा कोर्टस की। बिल्कुल ठीक कहा। चलिए शुरू करते हैं इस रेस को। क्या रुको, 1 मिनट, 7वें नंबर पर किसका नाम है? वैलेरी। ठीक है, 7वें नंबर पर जो रेसर है उनका नाम है वैलेरी। ये रख लो, इसकी जरूरत पड़ेगी तुम्हें। इसके सी हॉर्स को देखकर तो लग रहा है 102 बुखार हुआ है इसे। हाँ, आई नो। खैर क्या हुआ, हो सकता है कि हम फिर भी जीत जाए। ये बहुत बहादुर है। दिखा दो इन्हें वैलेरी, ये बॉस कौन है? हमारा हॉर्स बहुत कमजोर है, मुझे डर है कि कहीं उसे चोट ना लग जाए। गो, सब लोग तैयार हैं। ऑन मार्क, गेट सेट, गो। और हाँ, रेस के रूल्स को ना भुलाना। किसी को भी धक्का देना और गिराना मना है। क्या जज्बा है इन लोगों में स्पोर्ट्स का। वाह, क्या शुरुआत है। लगता है कि आज भी बारा को डस जीत जाएंगे, जो कि पहले सबके फेवरेट है। प्लीज, हम हार जाएंगे वरना, और मैं हारना नहीं चाहती। जो भी मेरे रास्ते में आएगा छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। ओके, पहला राउंड खत्म हुआ। जाके अपने सी हॉर्स को किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। तो रेसर अब थोड़ी देर के लिए आराम करेंगे, ताकि अगले राउंड के लिए फ्रेश हो जाएं, क्योंकि सभी इस रेस के बाद काफी थक चुके हैं। आज का दिन बहुत ही खराब था, तुम बहुत स्लो हो, और इसका मतलब हुआ कि वो नीडल हमारे हाथ से निकल जाएगी। क्योंकि वैसे भी इस सी हॉर्स के साथ मैं कभी नहीं जीत सकती। तो अब हम क्या करें? शायद मैं जानती हूँ कि क्या करना है। वैलेरी, किसी तरह तीसरे राउंड तक पहुँच जाओ। गर्ल्स, मेरे साथ आओ। वैलेरी, तीसरे राउंड तक पहुँच जाओ, बस तुम्हारे लिए बहुत इजी है। कहना जितना आसान है, जीतना उतना ही मुश्किल, और वो भी किसके साथ? इसके साथ। तो इस शानदार रेस के दूसरे राउंड के लिए तमाम रेसर्स तैयार हैं। 3, 2, 1, गो। तो तीसरा राउंड भी अब खत्म होने वाला है। जरा हाईलाइट्स पर नजर डालते हैं। और बारह सबके ही फेवरेट रहे हैं। ये देखिए, ओह, क्या किया उन्होंने, धक्का दिया और टॉप रेस से बाहर हो गया। तुम्हारे साथ नहीं आना चाहिए था मुझे। ओह, इसकी क्या जरूरत थी? इधर देखो। हे, अब तुम्हें क्या हुआ? उस सी हॉर्स को देखकर इतना एक्साइटेड क्यों हो गए तुम? और अगर ऐसी बात है तो जाके उससे फ्रेंडशिप क्यों नहीं करते? अच्छा एक बात बताओ, कभी उससे बात की है तुमने? तो उसे कैसे पता चलेगा कि तुम उसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना चाहते हो? जाओ जाके बात करो उससे। जबरदस्त, लगता है कि अब कोई चांस है जीतने का। अब देखना हमारी स्पीड को, हम जीत के रहेंगे। तो कौन जीतेगा ये रेस? ट्राउट, बैराकोडस या वैलेरी? हम सब बेस्ट रेसर हैं, तुम हमारे बीच क्यों आ गई हो? ये तो थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि बेस्ट रेसर कौन है। ओ, देखो जरा, 7वें नंबर वाले रेसर ने क्या रफ्तार दिखाई है। बैराकोडस भी हिल कर रह गया है। अरे अब क्या हो गया तुम्हें? ये क्या हो गया, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुमने मुझे बचाया, लेकिन कैसे, इतनी तेजी से भाग के? I guess मैं समझ गई। अब ये मुकाबला से
सिर्फ दो रेसर्स के दरमियान रह गया है। अब अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया कि जीत किसकी होगी। तुम्हारी जगह सिर्फ पीछे है, समझी? ये तो मैं अभी प्रूफ करती हूँ। बाराकूडस हार गया। ओह, ये तो कमाल हो गया। पहली बार किसी नए राइडर ने ये रेस जीती है। आज की विनर है वैलेरी। वैसे तुम्हें ज्यादा खुशी किस चीज की है, उस कप की या फिर इस नेडल की? ये खुशी हमारी जीत की है। हे गर्ल्स, मैंने घड़ी ठीक कर ली है, अब हम झील में जा सकते हैं। ये कहाँ गई? यहाँ तो नहीं है, कहाँ चली गई? कहाँ हो सब?